मॉर्निंग, मैं पवन राव। आज आप लोगों को एक नया चैप्टर मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल पर एक नया पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस, वैसे एसएससी जो क्वेश्चंस पूछता है वो हम लोग सिमिलरिटी बेस से भी कर सकते हैं, और सिमिलरिटी से करना काफ़ी आसान है उस क्वेश्चन को। जैसे एक मिनट, एक पॉइंट से समझते हैं उसको, थोड़ा ज़्यादा इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था वो मैं आप लोगों को सबसे पहले करवाता हूँ, और फिर इसका कितना ज़्यादा बेसिक हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में मतलब कुछ पॉइंट्स के अगली क्लास में भी सीखेंगे, और यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे थोड़ी देर बाद। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से है, इसकी मीडियन है ये ए डी, और इस मीडियन का मिड पॉइंट है ये ई, ग्रेविटी सेंटर नहीं है, मीडियन का मिड पॉइंट ई है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट एफ पर अगर मिले तो ए एफ और एफ सी का रेशियो आप लोग बताइए। अगर आपने मेरे दोनों जो लेसन मैंने आप लोगों के लिए दिए थे, इससे पहले दो लेसन मैंने आपको सिमिलरिटी के लिए दिए हैं, और सिमिलरिटी अगर आपको पता है, समरूपता अगर आप लोगों को पता है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में भी कुछ लोग यहाँ पर एमपीजी लगाते हैं जिसका कोई भी यूज़ नहीं है। ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस आपने अगर बेसिक तरीके से ही करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति नया नया एक पॉइंट सीखता है, वो बेसिक वेसिक तो छोड़ो, सारी चीज़ें तो नहीं, दो तीन क्वेश्चन किए और उसको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो एमपीजी से हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एमपीजी से बाकायदा करने के बजाय वो लेंदी और पढ़ते हैं। मैं पूरा पॉइंट तो समझाऊँगा जो अपने पास मैं पूरा पॉइंट एमपीजी आप लोगों को समझाने वाला हूं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि सिमिलरिटी आपको याद होनी चाहिए, समरूपता आप लोगों को याद होनी चाहिए, कि यहां से कभी भी अगर अपने पास एमपीजी लगती कब है, कब लगानी है, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूं। पहले ध्यान रखना, अगर कभी भी इसके पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो ये अगर रेशियो 1:1 है तो ये रेशियो भी 1:1 होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। समरूपता मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, यहाँ से इसके इस प्रकार से, अगर यहाँ से इसके पैरेलल लाइन अगर है और ये रेशियो अगर इधर वाला 2:3 है तो इधर वाला रेशियो भी 2:3 होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। ये रेशियो अपने पास 2:3 है तो उधर वाला रेशियो भी 2:3 होगा, इधर वाला रेशियो अगर 3:5 है और पैरेलल लाइन है तो उधर वाला रेशियो भी 3:5 होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। देखिए, मैंने क्या समझाया, ध्यान दो, आया हुआ क्वेश्चन ये है कि इस प्रकार से कि यहाँ पर अपने पास ये मीडियन है तो मीडियन सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, ये ई इसका मिड पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, तो ये भी अपने पास 1:1 होगा, ये रेशियो 1:1, ये रेशियो 1:1, हमें ए एफ और एफ सी का रेशियो पूछा है। तो ऐसे आसान जब क्वेश्चंस आए तो ज़रूरी नहीं आप लोग उसमें एमपीजी लगाओ, इस क्वेश्चन को जल्दी और आसानी से आप लोग, और दो तीन क्वेश्चन ऐसे और करवाता हूँ, और फिर आप लोगों का जो ये पॉइंट है इसको मैं कंप्लीट बेसिक से पढ़ाता हूँ, जितनी भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं एसएससी या कैट लेवल के, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक इसके पैरेलल लाइन खींच देते हैं, ये मान लो इस पर जाकर मिलता है K पर, हम लोगों ने पैरेलल लाइन खींच दी, इसके पैरेलल लाइन किसके, एफ ई के पैरेलल लाइन खींच दिए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो मैं बात करूं अगर ट्रायंगल ए डी के की, ध्यान देना, ट्रायंगल ए डी के की बात करूं तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो ये रेशियो अगर 1:1 है तो ये रेशियो भी अपने पास 1:1 होना है। सिमिलरिटी से पैरेलल लाइन खींचते, रेशियो 1:1 है तो ये भी 1:1, कौन से ट्रायंगल में, ए डी के की मैंने पहले बात की। अब मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाता हूँ, यहाँ से ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाता हूँ, बी एफ सी की अगर मैं बात करूँ तो अपने पास ये छोड़ो, एक बार देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, बी एफ सी की बात करूँ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल है, पैरेलल खींची हम लोगों ने, ये रेशियो 1:1 है तो लाइन पैरेलल होते, ये रेशियो भी 1:1, ये 1 है, ये 1 है और ये अपने पास 1 है, तो आंसर आ गया 1:2। आपको एमपीजी जरूरी नहीं पता हो तभी आप लोग कर पाओ, ऐसे सिमिलरिटी से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, और एसएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैट लेवल के क्वेश्चंस भी जो होंगे उनको भी आप लोग सिमिलरिटी से आसानी से कर सकते हो, लेकिन सिमिलरिटी लगाना उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एक एमपीजी वहाँ लगाना आसान होगा, और किसी किसी क्वेश्चन में एमपीजी के बजाय सिमिलरिटी आसान रहेगा, और सिमिलरिटी के बजाय एक नया तरीका जो और होगा, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि लोअर पार्ट अपॉन अपर पार्ट, टोटल पार्ट,
लोअर पार्ट सीवीएन का टोटल पार्ट, लोअर पार्ट और टोटल पार्ट का सम वन होता है, ऐसा मैं आपको पहले समझा चुका हूँ और आगे फिर भी उस पर बेस्ड में क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से हो, कोशिश करना समझने की वापस से, अपने पास इस प्रकार से हो, ये मिड पॉइंट नहीं है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक मीडियन है, रेशियो 1:1 है और ये मिड पॉइंट नहीं होकर मान लो ऐसा कोई पॉइंट है जो इसको बांट रहा है 1:4 के रेशियो में या 2:3 के रेशियो में। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन एकदम आसान होगा, यहाँ से पैरेलल देखो कितना जल्दी होगा, ये रेशियो 2:3 तो ये रेशियो भी 2:3, क्यों मैं समझा चुका हूँ। अब नीचे वाले की अगर बात करें तो ये रेशियो 1:1 है तो ये भी रेशियो 1:1, 3:3 ये अपने पास आ गया। ये पॉइंट अगर एफ पर जाकर मिले तो 2:6 का मतलब 1:3 अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1:3। अब क्वेश्चन एमपीजी ये वो ये चीज़ें लगाने की जरूरत है ही नहीं आपको, आप एमपीजी तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एसएससी के आसान जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन करूं आप लोग देखो खुद ही समझ जाओगे, ये अपने पास रेशियो मान लो 1:3 है और ये अपने पास रेशियो मान लो है यहां से यहां तक, ये मान लो अपने पास 3 है और नीचे वाला मान लो 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पर नीचे वाले की बात करूँ मैं, एक बार इसको हटाऊँ, ये रेशियो अगर अपने पास 3:1 है तो ये रेशियो भी 3:1 होना है और ये रेशियो अपने पास 1:3 है तो ये रेशियो भी 1:3 होना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 3 और नीचे वाला हो गया 4, तो रेशियो कितना आ गया अपने पास 3:4। ये लो आपका एक क्वेश्चन, 2 सेकंड 5 सेकंड का भी नहीं है। मैं फिर समझा देता हूँ एक क्वेश्चन और फिर आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस तरीके पर बेस्ड, सिमिलरिटी पर बेस्ड, और सिमिलरिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इस प्रकार से ये रेशियो अगर 1:4 है और ये मान लो अपने पास 2:3 है, तो जैसे ही इसके पैरेलल लाइन खींचोगे, पहले ये लिख लो 4:1 है, 4:1, और ये अपने पास 3:2 है तो ये अपने पास 2:3 है, तो इसको 3 बनाने के लिए इंटू कर दो यहाँ पर 3 से और यहाँ इंटू कर दो 3 से, इंटू करोगे तो 12, तो 2:3:12 बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है और नीचे वाला 15 है, तो क्या रेशियो 2:15 हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने पास आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं कि ये रेशियो जो 4:1 है तो ये रेशियो आ गया अपने पास 4:1 और ये रेशियो अपने पास 2:3 है, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 3 है तो 1 का वैल्यू 3 है तो 4 की जो वैल्यू होगी 12, तो टोटल आ गया 2 और यहाँ से यहाँ तक आ गया 15। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि एम पी जी है क्या, जो अपने पॉइंट हैं एम पी जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए अब कोशिश करना आप लोग समझने की और ध्यान देना, यहाँ पर इस प्रकार से अगर कोई भी अपने पास लेंथ है, ये लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और इधर कोई पॉइंट इसके मिड पॉइंट पर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है और ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, कोई कहे कि यहाँ पर ये इस प्रकार से ये यहाँ पर फिक्स है, इधर कोई भी अगर हम लोग वेट अगर 3 kg अगर हम लोग वेट यहाँ पर लगा दें नीचे की तरफ, तो ध्यान रखना ये जो रोड है ये अगर बैलेंस अगर रहे तो इधर भी आपको वेट लगाना पड़ेगा कितने kg, 3 kg अगर ये मिड पॉइंट है तो। अब कोशिश करना मैं और हर पॉइंट समझाऊंगा आपको, और आज के बाद ये पूरा का पूरा आप लोगों ने देखा है कि पढ़ाने का तरीका मेरा यही है कि सारी की सारी जो भी पॉइंट अगर मैं पढ़ाता हूँ तो उसको कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा, बीच में ऐसे नहीं है कि 10 क्वेश्चन में से 3 में से आप लगा पाओ और 7 एमपीजी के क्वेश्चन में नहीं लगा पाओ, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। एक बार अगर मैं ये चीज़ आपको समझा दूंगा हर क्वेश्चन में आप लोग खुद ही लगा पाओगे, वो कैसे देखिए समझना, लेकिन इसके लिए आपको इसका बेसिक पता होना जरूरी है। मान लो ये टोटल 10 सेंटीमीटर था, इधर अगर अपने पास 1 सेंटीमीटर है और इधर अगर 9 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना यहाँ पर अगर आप लोगों ने वेट लगाया कितने kg, यहाँ पर मान लो आपने वेट लगाया है 18 kg, तो इधर आप लोग जो वेट लगाओगे वो 18 kg अगर वेट यहाँ पर लगा दिया तो ये बैलेंस नहीं होगा, ध्यान रखना उधर से झुक जाएगा। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर अगर 18 kg वेट लगाया है तो इधर आप लोगों को वेट लगाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 2 kg, जिससे ये बैलेंस होगा। ध्यान रखना है जो लेंथ होती है ना 1:18, 18:1 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो टोटल वेट है 3 kg इधर 3 kg इधर, तो इस पॉइंट पर जो टोटल वेट होगा वो होगा 6 kg। आपको समझाने के लिए मैं केजी में ले रहा हूँ, ये 18 है ये 2 है, तो कौन से पॉइंट पर टोटल वेट होगा, टोटल वेट 20 kg जो वेट होगा वो इस वाले पॉइंट पर होगा, एक बात आप लोग ध्यान रखना।
मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अपने पास इस पॉइंट पर वेट है, मान लो टोटल हमें पता लगा कि 20 केजी वेट है और ये रेशियो है 2:3। छोटे छोटे पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्सेप्ट समझते चलो। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये सेकंड अपने पास कॉन्सेप्ट है और ये अपने पास थर्ड। छोटे छोटे पॉइंट समझते चलिए और फिर देखना आप लोगों के MPG समझ में आती है या नहीं आती है, वो आप लोग खुद चेक करना। कैसे, देखिए 20 केजी वेट में ये इधर और इधर, ध्यान रखना रेशियो अगर 2:3 है तो आप लोग 10 केजी और 10 केजी वेट नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं होगा। 10 केजी 10 केजी तभी कर पाओगे जब ये मिड पॉइंट पर हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास टोटल 20 केजी है तो 20 केजी जो वेट होगा, इधर जो वेट होगा इसको 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। 20 टोटल के नीचे टोटल 5 और इधर वाला वेट निकालना है तो 3 से गुना करेंगे तो इधर वाला वेट होगा 8 केजी। ध्यान रखना ये इससे गुना करेंगे तो इधर वाला वेट आएगा और इससे गुना करेंगे तो अपने पास इधर वाला वेट 5 से 4 बार और 4 गुना 3 12 होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला वेट अगर निकालना है तो 20 के नीचे 5 और इसका गुना करेंगे 2 से तो अपने पास 5 से कट गया 4 बार और ये वाला जो वेट होगा वो 8 केजी। ध्यान रखना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए तभी बैलेंस होगा। 12 गुना 2 24 और 8 गुना 3 24 और इसको 12:8 में इस प्रकार से हम लोगों ने बांट लिया। अगर कोई बोलता है कि अपने पास टोटल यहाँ पर ये थर्ड कॉन्सेप्ट और फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से है, कोई बोलता है कि इधर जो वेट है ये पॉइंट यहाँ पर बैलेंस करना है, इधर वेट है 3 केजी और इधर वेट है मान लीजिए 2 केजी। आप लोगों के लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, तो आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आए, या पूरा ध्यान रखना और 2 या 3 बार आप लोग इस वीडियो को देखना और साथ साथ लिखते चलना, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और MPG पर बेस्ड मैं कम से कम 3 या 4 वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आप लोगों को कम्प्लीट अच्छे से और पूरा बेसिक तरीके से समझ में आए और कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग खुद ही कर पाओगे। तो ध्यान रखना इसकी लेंथ का जो रेशियो होता है, इधर वाली लेंथ होगी 3 और इधर वाली लेंथ होगी 2, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इनवर्स होता है जब आप लोगों ने अगर चेक किया होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगर आप लोगों ने चेक किया होगा, X1 Y1 अगर आपने पढ़ी है, मैं तो पढ़ाऊँगा इस यूट्यूब चैनल पर, लेकिन आप लोग जहाँ भी जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हैं उससे आप लोगों ने देखा होगा, इसका इंटू करते हैं इसके साथ और इसका इंटू करते हैं इसके साथ, विपरीत साइड जब भी ये रेशियो होता है तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला वेट होगा इस साइड और ये वाला वेट होगा इस साइड, या पहले से रेशियो अगर दिया हुआ है तो ये वाला वेट इस साइड होगा और ये वाला वेट इस साइड होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। अब ये वेट जो है वो डिपेंड करता है इस पर और ये वेट डिपेंड करता है इस पर, पहला पॉइंट। दूसरा एक, ये 4 पॉइंट आप लोग लिख लेना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनको 2-3 बार पढ़ना, एक बार वीडियो पॉज करके 2-3 बार इसको पढ़ो, फिर हम लोग अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इस प्रकार से है और यहाँ से इस प्रकार से भी है, तो ये जो वेट है ये डिपेंड करेगा, यहाँ से यहाँ तक मान लो 2:3 है और यहाँ से यहाँ तक 3:5 है, एक जब लाइन थी तब तक तो ठीक है लेकिन ट्रायंगल में 2 लाइन होंगी तो ये जो वेट डिपेंड करेगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा और इस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना, आप खुद ही देखोगे कि ये कितना आसान और कितनी आसानी से सोल्व हो रहा है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर समझाता हूँ, अब इसके कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया आपको, देखिए यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि कोई भी लेंथ यहां पर यहां से यहां तक, मान लीजिए यहां पर कोई भी पॉइंट पर ये बैलेंस करना है, ये यहां से यहां तक की लेंथ L1 है और यहां से यहां तक की लेंथ L2 है और इस पर इधर वाला जो वेट है वो अपने पास वेट है मान लो 1 केजी और इधर वाला वेट इस पर है मान लो 2 केजी। तो यहाँ पर जो टोटल वेट होगा, ध्यान रखना इस पॉइंट पर टोटल वेट होगा A+ B kg और साथ ही ये ध्यान रखना A × L1 बराबर होता है B × L2 के, तो यहाँ से A/B बराबर होता है L2/L1 के। A L2 है, A L2 की तरफ है और B L1 की तरफ है, A और B का जो वेट होता है वो L2 और L1 के वेट के अपोक्स, ये इस पर डिपेंड करेगा और ये इस पर डिपेंड करेगा, A × L1 बराबर B × L2 होता है। इसको आप लोग समझ लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यही पूरी MPG है।
यही इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। एसएससी में नॉर्मल आसान क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोग सिमिलरिटी लगाकर भी कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन आप लोग क्वेश्चंस जो हैं अपने पास, ये वाले सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी पॉइंट पर बेस्ड करेंगे। कैट लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन पहले कुछ आसान आसान पॉइंट समझाता हूँ जिससे आपका बेसिक क्लियर हो। देखिए आप लोग, अब बात आती है कि आपको एमपीजी, सर ये क्या एमपीजी पढ़ा रहे हो, कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, थोड़ा बहुत पता है बस, क्या कैसे कहाँ लगती है। एक चीज़ ध्यान रखना, पिछला मेरा वीडियो और उससे पिछला वीडियो मैं सीवियन पर बेस बना रहा हूँ, और ये भी जब आप लोगों को सीवियन अगर दी हुई हो, एक सीवियन अगर दी हुई हो, तभी हम लोग लगाते हैं एमपीजी। देखो, अगर अपने पास कभी भी किसी ट्रायंगल में आप लोगों को एमपीजी तभी लगाना है जब अपने पास एक सीवियन दीवी हो सकता है, दो दीवी हो तो भी लगा देंगे, तीन दीवी हैं तो भी लगा देंगे, लेकिन एमपीजी आप लोग लगाओगे कब, जब एक सीवियन दीवी है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए एडी, तो आप लोग इस क्वेश्चन में सीवियन लगा दोगे। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अब इसमें अगर मैं दो सीवियन दे दूं, एक ये दे दूं, अपने पास जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में दो सीवियन दी हुई हैं तो, किसी भी क्वेश्चन में, आज की क्लास में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, अब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, अगर किसी भी ट्रायंगल में अपने पास दो सीवियन, और सीवियन मेरा, अगर ये आप लोग लेक्चर देख रहे हो तो इससे जस्ट पहले वाले दो लेक्चर आप लोग देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ज्योमेट्री अगर पूरी पढ़नी है तो लेसन नंबर एक से, आज अपना 15 या 16 नंबर लेसन चल रहा है, लेसन नंबर एक से आप लोग पढ़िए जिससे आपको ज़्यादा और सही समझ में आएगा। यहाँ से यहाँ तक ए बी सी, मैं सबसे पहले आप लोगों को, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको हर लेसन में पढ़ाऊंगा। आज के लेसन में मैं पढ़ाने वाला हूं दो सीवियन अगर दी भी हो तो हम लोग उसको कैसे कैसे, दो सीवियन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो सीवियन लगा देना, और इसमें भी चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला ए, जिसमें हम लोगों को मान लो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:5, इसमें दो चीजें देगा और ये रेशियो देगा 2:3। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन अपने पास बनता है इस प्रकार से, बी जो क्वेश्चन बनता है, ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, और ये अपने पास यहाँ से एक सीवियन दे दी ए डी, और दूसरी ये दे दी अपने पास बी ई, सेम जैसे पहले अपने पास दिया हुआ है। दूसरा अपने पास इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या क्या, किस किस टाइप से दे सकता है वो, ए बी सी, ये अपने पास वही सेम है, दो चीज़ें कोई भी दे दे, दोनों साइड्स दे सकता है अपने पास इस प्रकार से। पहले मैं चार डायग्राम बना लेता हूं और फिर आप लोगों को बताता हूं, इस प्रकार से ए बी सी, और ये अपने पास ए डी और दूसरा बी ई। देखो मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि दोनों ये वाली साइड दे सकता है, या अपने पास ये सीवियन मिले मान लो ओपर 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 और ओपर, या हम लोगों को दे सकता है ये 3:5 इसका रेशियो, और ये 2:3 इसका रेशियो हम लोगों को दे सकता है, या 5:4, 2:3 ये दे सकता है, या 3:5 और 2:3 इसका, 3:5 और 2:3 ये हम लोगों को दे सकता है। ये इस टाइप से जब भी दो सीवियन आपके पास आएंगे, तीन आए मैं नेक्स्ट लेसन में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, और इस प्रकार से जब क्वेश्चन आए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से, एक सीवियन दे दी ये दे दिया, इस प्रकार से भी अपने पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये और नेक्स्ट में मैं पढ़ाऊंगा। तो जब भी आप लोगों को सीवियन दी हुई हो तो मैं आपको सबसे पहले टाइप फर्स्ट जो है उसको क्लियर कर रहा हूं, और टाइप फर्स्ट में भी अपने पास तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ए बी सी और डी, ये दोनों बाहर वाले दिए हुए हों, ये और ये हमें दिया हुआ हो, ये और इनका रेशियो दिया हुआ हो, ये और इसका रेशियो दिया हुआ हो, ये चार टाइप के ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप लोग, सबसे पहले ये समझाता हूँ, फिर ये और फिर ये, क्वेश्चन में अप्रोच लगानी कैसे है, कोशिश करना समझने की। और अगर ये चार लेसन जो मेरे आने वाले हैं, आज फर्स्ट लेसन है, और ये चार लेसन अगर आपने देख लिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बस 15 मिनट ये पढ़ाऊं और उसके बाद इसके तीन क्वेश्चन करवा दूं और मैं बोलूं एमपीजी ख़त्म। जो भी पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं इंश्योर करूंगा आप लोगों को कि उससे रिलेटेड, उस पर बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद ही कर पाओगे, लेकिन उसके लिए बेसिक पूरा समझना, चैप्टर कंप्लीट आप लोग देखना। देखिए तो पहला क्वेश्चन है 3:5, 2 और 3,
तो इस टाइप से, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से, इस पॉइंट का जो वजन है वो इस पर डिपेंड करेगा और इस पर डिपेंड करेगा। इस पॉइंट का जो ये रेशियो दिया हुआ है 3:5 क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसी को लगे कि ये कहाँ से आ गए, 2:5, 3:5। और दूसरा ये BD अपॉन DC बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 2:3। और उसके बाद हम लोगों को रेशियो पूछ सकता है AO अपॉन OD का रेशियो क्या होगा, ये भी पूछ सकता है क्या होगा, या हम लोगों से पूछ सकता है कि BO अपॉन OE का रेशियो क्या होगा। तो सारे रेशियोज हम लोग निकालते हैं, कोशिश करना सबसे पहले समझने की, दिया हुआ वो मैंने लिख दिया है, पूछा है वो तो हम लोग आंसर निकाल ही रहे हैं। एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे, इस वाले पॉइंट का जो वजन है वो डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पर, इधर वाले पर भी इधर वाले पर, नज़दीक वाले पर नहीं दूर वाले पर, ये 3 है ये 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेकर 6 यहाँ पर ले लीजिए आप लोग, ये यहाँ पर वेट है 6 kg, ये यहाँ पर वेट है 6 kg, 6 × 3 = 18, तो इन दोनों का 9 × 2 = 18 होना चाहिए, तो यहाँ पर आना चाहिए 9 kg, ध्यान रखना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 18 kg, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी बराबर होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 kg है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 30 होना चाहिए, ये अगर 3 है तो अपने पास यहाँ पर कितना वेट रखोगे 10 kg। अब देखिए यहाँ पर टोटल वेट कितना होगा अपने पास, ये 6 है ये 9 है तो 15 kg, और ये अपने पास 10 है और ये 6 है, तो यहाँ पर जो वेट होगा 10 और 6 = 16 kg। एक MPG की सबसे अच्छी बात यह है कि इनर वेट ऑलवेज इक्वल होगा, यहाँ से आप लोग इन दोनों को ऐड कर लो, 10 और 15 25 यहाँ पर आना है टोटल, इन दोनों को ऐड कर लो 9 और 16 25 आना है टोटल। अगर टोटल आपका सेम नहीं आ रहा है तो या तो आपने खुद ने गलती की है या वो क्वेश्चन गलत है, एक पॉइंट 100% ठीक है। ध्यान रखना इनर जो समेशन है, इनर जो ऐड करोगे वो हमेशा इक्वल आएगा 10 और 15 25 और 9 और 16 25, अगर 25 नहीं आ रहा दोनों तरफ से इसका मतलब आप कोई ना कोई गलती कर चुके हो। अब अगर आप लोगों को वेट, आप लोगों को रेशियो चाहिए BO और OE का रेशियो चाहिए, BO और OE का रेशियो अगर चाहिए तो बी से ओ तक इधर वाला ये 16 इधर आएगा, 9 इधर चला जाएगा और ये आ गया 16/9, और ये वाला अगर वेट चाहिए आपको ए और ओडी का रेशियो अगर चाहिए, ए ओ और ओडी का अगर रेशियो चाहिए तो ए से ओ तक डिपेंड करेगा इस पर ऊपर 15 और ये डिपेंड करेगा इस पर 15/10 का मतलब अपने पास आ गया 3/2, ये अपना आंसर है। ये रेशियो आ गया 3:2 और ये रेशियो आ गया 16:9, ये अपना आंसर है। अब आप लोग जहाँ पर भी बैठे हो ना, जहाँ कहीं भी बैठे बैठे ये वीडियो देख रहे हो, आपके दिमाग में आएगा कि सर हमें क्या पता कि शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। कुछ लेक्चर आप लोग जब देखते हो या फैकल्टी जब पढ़ा देता है तो आपको फिक्स कर देता है कि यहाँ से, मैं आप लोगों को कहूँगा कि मैं आपको पूरा बेसिक से और पूरा कंप्लीट में समझा रहा हूँ, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जहाँ मर्जी आए वहाँ मान लो आप, जरूरी नहीं आप लोग इसी पॉइंट से शुरुआत करो, इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं तो बच्चा फंस जाता है कि यार मम्मी क्या पता सर इसी पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए, दूसरे पॉइंट से शुरुआत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इससे कर दें तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान दो, ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक पॉइंट डी है और ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास पॉइंट ई है और ये वाला पॉइंट है अपने पास ओ। कोशिश करना समझने की, ये रेशियो दिया हुआ है 2:5 और ये रेशियो अपने पास दिया हुआ है 2:3। अब कोई स्टूडेंट अगर चाहता है कि सर मैं तो इधर वाले से शुरुआत नहीं करना चाहता, मैं तो इससे शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं आपको एक पॉइंट बोलूँगा जहाँ से आपका मन करे वहाँ से शुरुआत कर लीजिए। जैसे कुछ कहीं आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से फिक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वीडियोस देखकर नहीं, आपको मैं समझा रहा हूँ कि आपका जहाँ से मन करे वहाँ से मानना शुरुआत कर दीजिए। जैसे यहाँ वाला जो वेट डिपेंड करेगा वो इस पर और यहाँ वाला वेट डिपेंड करेगा इस पर, तो आप लोग एक काम करना यहाँ से मानना शुरू कर दो, इसको मान लीजिए ये 3 kg, तो ये इधर 3 kg, तो 3 × 2 = 6, इन दोनों का सम भी 6 होना, इनटू सम होना चाहिए, तो ये इधर हो जाएगा 2 kg, मान लिया ठीक है। जहाँ आपका मन करे वहाँ से आप लोग मानना शुरुआत कर दीजिए 3 kg और 2 kg, 5 × 2 = 10, तो इन दोनों का सम भी 10, 5 × 2 = 10 सम होना चाहिए, तो यहाँ पर अपने पास कितने kg होगा 5 kg, ये अपने पास आ गया, ये अपने पास 2 kg इधर मान लिया तो इधर आ गया अपने पास 3 kg, ये अपने पास 2 kg है तो इधर आ गया 5 kg। तो मुझे आप लोग ये बताइए यहाँ पर अपने पास सम जो हुआ 3 और 2 कितने kg हो गया,
5 केजी, और 5 और 2 यहाँ पर कितने केजी हुआ, 7 केजी, और मुझे बताइए 7 और 3 10 यहाँ पर ये रहा, और मुझे आप लोग साथ ही ये बताइए कि यहाँ पर अपने पास 5 और 5 10 इनर समेशन क्या सेम आ गया क्या, और इनर समेशन अगर सेम आ गया तो आपको रेशियो अगर चाहिए, किसका रेशियो चाहिए आप लोगों को, मान लीजिए आपको रेशियो चाहिए बी ओ और ओ ई का रेशियो चाहिए, बी ओ और ओ ई का रेशियो चाहिए, तो बी से ओ तक जो होगा वो 7 होगा, और यहाँ पर ओ ई जो होगा वो 3 होगा, 7:3। देखिए मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ये अपने पास 16:9 आ गया और ये अपने पास 7:3 आ गया, ये तो गलत हो गया। अब गलती हम लोगों ने कहाँ की, एक चीज़ मैंने आप लोगों को समझा दिया कि तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, छोटी सी गलती हम लोगों ने ये की है, ये यहाँ पर 3 मान लिया और ये गलती से लिख दिया 2, तो यहाँ पर 3 करो और फिर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। गलती से हम लोगों ने 2 मान लिया, वापस क्वेश्चन में करवाता हूँ, गलती हो गई कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती ही रहती हैं, फिर से ध्यान दो, फिर से कोशिश करना सीखने की। ये मैंने गलती से यहाँ पर 2 केजी ले लिया जबकि होना चाहिए था 3, तो अब समझिए वापस से। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये मैंने कहा कि किसी पॉइंट से शुरुआत कर लीजिए, आप लोग जहाँ से मर्जी आए वहाँ से शुरुआत करो, मैं इस पॉइंट से भी शुरुआत करके अभी बताने वाला हूँ, जहाँ से मर्जी आए शुरुआत करना आप लोग। यहाँ से अपने पास इधर वाला अगर 3 केजी है तो इधर वाला होगा अपने पास 2 केजी, ये इस पर डिपेंड करेगा और ये इस पर डिपेंड करेगा, 5 गुना 2 अगर 10 हुआ तो यहाँ पर अपने पास इन दोनों का सम भी अपने पास इंटू 10 होना चाहिए, तो ये होगा 10/3 केजी, 5 गुना 2 10, तो 10/3 गुना 3 अपने पास आ जाएगा 10। तो अब देखिए आप लोग इन सभी का, इन दोनों का जो सम आया अपने पास 3 और 2 कितने केजी हो गया, 5 केजी, इन दोनों का सम 5 है, और इन दोनों का जब सम करोगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 16/3, सम कर लेना, 10/3 में 2 ऐड करोगे तो ये 16/3 आ जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, अब अगर ऐड करोगे यहाँ पर और इन दोनों को ऐड करोगे, ये भी 25/3 और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 25/3, और मैंने कहा है इनर जो समेशन है वो हमेशा सेम आएगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को बी ओ और ओ ई का रेशियो चाहिए, बी ओ और ओ ई का रेशियो अगर चाहिए बी से ओ तक और ओ से ई तक, तो बी से ओ तक इस पर इधर आएगा 16/3 और ये इधर आ जाएगा 3, 16/3 इधर जाएगा पलट कर, तो 16:9। आंसर तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को रेशियो चाहिए यहाँ से ए से ओ तक, ए से ओ तक और ओ से डी तक का रेशियो चाहिए, तो ए से ओ तक जो है वो डिपेंड करेगा इस 5 केजी पर, उल्टा होता है, ये इधर जाता है और ये इधर आता है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है एमपीजी में और कुछ नहीं है। तो ये होगा अपने पास 5 और ये होगा अपने पास 10/3, 5 से कट गए 2 बार, तो रेशियो जो आ गया अपने पास वो आ गया 3:2, ये अपना आंसर है 3:2। तो मैंने आप लोगों को समझाया कि जहाँ से, जब आप लोगों की जहाँ से मर्जी करें ना वहाँ से आप लोग शुरुआत कर लीजिए, आंसर हमेशा सेम आना है, आंसर नहीं बदलेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं फिर समझाता हूँ, ये मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को सही और आसानी से समझ में आएगा और आप पहले से रट के नहीं जाओगे कि सर शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि शुरुआत जहाँ से मर्जी आए करो ना आप लोग, कौन कहता है कि इस पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए, इस पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप लोग शुरुआत कर दीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से देखो, फिर समझाता हूँ, संख्याएं अब की बार आप लोग भी देखना, कहीं अगर मैं उल्टी सीधी संख्याएं लिख दूं, गलत लिख दूं, तो आप लोग बताना मुझे वहां से कि सर ये गलत लिख दिया, ये डी है, ये अपने पास ई है, ये 3 है, ये 5, 3 और 5, 2 और 3, मैंने यहां से शुरुआत कर ली है, मैंने यहां से शुरुआत कर ली है, मैं बताता हूं आप लोग यहां से शुरुआत कर दीजिए। क्वेश्चन की जहां से मर्जी आए वहां से शुरुआत करो, ये अपने पास 5 केजी है यहां से यहां तक, तो इधर वाला होगा 3 केजी, और ये अगर अपने पास 3 केजी, 3 गुना 3 9, तो इनका इंटू भी 9 होना चाहिए, तो ये होगा अपने पास 9/2, 3 गुना 3 9, तो इन दोनों का इंटू भी, यहाँ आप कुछ भी मान लेना, अक्स इंटू 2 = 9 होना चाहिए, तो अक्स की वैल्यू 9/2। अब मुझे बताइए यहाँ पर इन दोनों का सम आता है, तो इन दोनों का सम अगर आप लोग करोगे तो इन दोनों का सम क्या 15/2 हो गया क्या, और इन दोनों का सम अगर करोगे तो क्या आपके पास 5 केजी हो गया क्या, और ध्यान रखना आप इन दोनों का सम अगर किया तो 8 केजी, सॉरी ये 8 केजी हो गया अपने पास, तो ये अपने पास 8 और इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड किया तो अपने पास 25/2 आ गया, और इन दोनों को ऐड किया तो भी अपने पास 25/2, और मैंने कहा इनर समेशन हमेशा सेम आएगा, अंदर वाली वैल्यू जो होती है उनका सम हमेशा बराबर होता है, तो यहाँ पर ये बराबर आ गया। ठीक है, ये पॉइंट अगर ओ है, किसी स्टूडेंट को ए ओ और ओ डी का रेशियो अगर चाहिए,
ए ओ और ओ डी का रेशियो अगर चाहिए, ए से ओ और ओ से डी तक का रेशियो चाहिए, तो 15/2 और 5, तो 5 से कट गया 3 बार और 3:2, ये अपना आंसर आ गया अपने पास। नेक्स्ट जो है, इधर से आप लोगों को रेशियो अगर चाहिए बी ओ और ओ ई का रेशियो अगर चाहिए, बी ओ और ओ ई का रेशियो अगर चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा 8 और ये इधर चला जाएगा 9/2, ये इधर आ जाएगा 16:9, तो ये 16:9 ये रहा, 3:2 ये रहा। तो जहाँ से आपकी मर्जी आए, जहाँ से आपका मन करे, वहाँ से आप लोग शुरुआत कीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा एम पी जी में। अब ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ, इस पॉइंट से शुरुआत की सबसे पहले, दूसरा इस पॉइंट से शुरुआत की और तीसरा इस पॉइंट से शुरुआत की। शुरुआत आप लोग ट्रायंगल के किसी भी वर्टिसेज से कर दीजिए, आंसर हमेशा सेम आना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर समझाता हूँ, देखिए कोशिश करना समझने की। ये अपने पास इस प्रकार से है, कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ए बी और सी कोई भी ट्रायंगल है, ये यहाँ से डी है पॉइंट डी, और ये पॉइंट दूसरी एक सीवेन डाली जो ई है, और ये पॉइंट ओ है, ये 3 है, ये 5 है, और ये 2 है, और ये 3 है। ये क्वेश्चन अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को ये वाला क्वेश्चन अगर करना पड़े सिमिलरिटी से, समरूपता से, अगर कोई स्टूडेंट घर पर बैठा है और सोचता है कि सर सिमिलरिटी से मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूं, तो सिमिलरिटी से क्वेश्चन करने का तरीका होगा, हमेशा इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, हमेशा इसके एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 है और ऊपर वाला टोटल अपने पास 3 है। आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींच दो, तो अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की, इसके पैरेलल लाइन अगर खींच दी आप लोगों ने, इसके पैरेलल लाइन खींच दी, तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो रेशियो होगा अपने पास, ऊपर वाला जो 5 है मैं दिखा देता हूँ, ये पैरेलल लाइन खींचते ही मैं समझा चुका हूँ कि रेशियो सेम होता है, 2:3 है, तो ये रेशियो भी अपने पास 2:3 होगा। 5 को 2:3 में बांटोगे तो ये तो आ जाएगा अपने पास 10/3, और ये नीचे वाला आ जाएगा अपने पास 15/3। इस 5 को 2:3 में बांटोगे टोटल के नीचे टोटल, ऊपर वाले 2 से गुना कर दोगे टोटल के नीचे 5 को, अगर 2:3 के बाद रेशियो में बांटोगे तो आपके पास ये ऊपर वाला आ जाएगा 2 और नीचे वाला अपने पास आ जाएगा 3। 5 है ना अपने पास, 5 को 2:3 में बांट रहे हैं, तो ऊपर वाला तो अपने पास तो आ जाएगा 2 और नीचे वाला जो अपने पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आप लोग इस रेशियो में कन्वर्ट कर लेना इसको 2:3 के रेशियो में, तो अपने पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपने पास पहले से है, ये लेंथ जो है अपने पास ये पहले से है। और अगर आपको AO ये अपने पास 2 आ गया है और ये अपने पास 3, 5 को भी 2:3 में बांटोगे तो 2 और 3 ही रहना है, और मैंने आपको फिर बता रहा हूँ आपको ट्रायंगल इस पॉइंट को K नाम दें, और ये अगर मैं बात करूँ अब ट्रायंगल ADK की, ट्रायंगल ADK की बात करूँ, तो मुझे बताइए पैरेलल लाइन होते ही ये रेशियो अगर 3:2 है तो क्या इधर वाला रेशियो भी 3:2 होगा क्या, जो कि अपना आंसर आ जाएगा AO और OD, इससे भी अपने पास ये आया था। अगर आप लोग इसको इधर वाले का अगर करना है तो फिर इधर से पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी और फिर सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, तो अपने पास आंसर यही आना है, आप लोग सिमिलरिटी लगा लेना किसी भी तरीके से। मैं आपको पहले बता रहा हूँ एक ही क्वेश्चन करने के मैं आपको 4 तरीके समझा चुका हूँ, ध्यान रखना तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते, ये आप लोग ध्यान रखना। अब सबसे पहले मैंने ये समझाया कि क्वेश्चन में भार वाले 2 अगर आ जाएँ, 2:3 और 3:5 अगर दिया हुआ है, 2:3, 3:5 दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं उसको मैंने समझाने की कोशिश की, और मैंने कहा कि जो वर्टिसेज आपको मानना है वो मान लीजिए। अब ये 2 देकर, 2 सीवियन देकर 3 तरीके से और क्वेश्चन बन सकता है, किस किस टाइप से देखिए आप लोग। फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट ही, तो फर्स्ट पॉइंट का जो क्वेश्चन था उसका मैंने जो ए पॉइंट था उसको 4 तरीके से समझाया। अब अपने पास जो क्वेश्चन हो सकता है देखो इस प्रकार से, सीवियन कोई भी है, ए बी और सी, ये अपने पास ए डी है और ये अपने पास बी ई है, और ये वाला जो पॉइंट है ये अपने पास है ओ, ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है और ये अपने पास 3 है। मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, मैंने कहा जहाँ मर्जी आए मान लो, जहाँ से मर्जी आपका मन कर रहा है वहाँ से मान लीजिए। मान लो आपने इसको मान लिया 3 kg, ये 3 kg मान लेते हो, तो ये इधर जाएगा और ये इधर वाला जो होगा अपने पास ये होगा फिर 2 kg, ये जो होगा ये अपने पास होगा 2 kg,
तीन और दो कितना हुआ, यहाँ पर वेट होगा टोटल पाँच, यहाँ पर पाँच गुना पाँच पच्चीस है, पाँच गुना पाँच यहाँ पर पच्चीस है, तो यहाँ पर होगा पच्चीस बटे तीन। इन दोनों का इनटू भी अपने पास पच्चीस होना चाहिए, तो पच्चीस बटे तीन और यहाँ पर दो है, इन दोनों का सम करोगे तो ये आ जाएगा इकतीस बटे तीन, यहाँ पर वेट सम कर लेना। यहाँ पर गिवन जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है टू इज टू थ्री और ये दिया हुआ है थ्री इज टू फाइव। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 40 बटे 3 आएगा यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 40 बटे 3 आएगा। इनर समेशन चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, दोनों से हमेशा सेम आना है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में पूछा गया हमें, एक तो गिवन तो ये दोनों था और क्वेश्चन में पूछा है ए ई और ई सी का रेशियो बताओ, ए ई और ई सी का रेशियो, ए ई और ई सी का रेशियो आप लोग बताइए। तो ए से ई तक जो होगा वो तो होगा दो, ये इधर जाएगा दो, और ई से सी तक ये इधर आएगा पच्चीस बटे तीन, तीन पलट कर ऊपर चला जाएगा तो छः बटे पच्चीस, ये अपना आंसर है। दूसरा आप लोगों के पास अगर रेशियो पूछ ले बी ओ और ओ ई का रेशियो पूछ ले, बी ओ और ओ ई का रेशियो पूछ ले, तो बी से ओ तक ये रेड वाला इधर वाला इकतीस बटे तीन और ये इधर वाला होगा अपने पास तीन, तो आंसर आ जाएगा 31:9। जहाँ पर आप लोग बैठे हो मैंने शुरुआत की है यहाँ से, आप लोग यहाँ से शुरुआत कर देना तो आंसर आ जाना है, आप लोग यहाँ से शुरुआत कर देना तो आंसर आ जाना है, किसी भी वर्टेक्स से आप लोग शुरुआत कर दीजिए आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, कहीं से आप लोग शुरुआत कर सकते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग यहीं से करो या यहाँ से करो या यहाँ से करो। लेकिन जो पॉइंट अपने पास दिए हुए जैसे इन साइड्स का रेशियो 2:3 दिया हुआ है तो इधर वाला 3 इधर वाला 2 ये मानना यहाँ से शुरुआत करना थोड़ा आसान रहता है, बाकी आप लोग कहीं से यहाँ से शुरुआत कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। यहां से जैसे शुरुआत कर दो ना आप, मैं बता देता हूं आप लोगों को आंसर यही आना है, जैसे ये तीन है ये पांच है तो यहां पर ये हो जाएगा तीन केजी और ये हो जाएगा अपने पास पांच केजी, ये इधर तीन इधर पांच। अब तीन को दो अनुपात तीन में बांटिए तो ये तीन बटे पांच गुना इधर वाले के लिए गुना करना पड़ेगा इधर से तो यह आ जाएगा नौ बटे पांच और ये इधर वाले के लिए तीन बटे पाँच गुना दो तो ये आ जाएगा छः बटे पाँच। जब ऐड करोगे आप लोग तो टोटल तीन है, इन दोनों का अगर ऐड करोगे तो अपने पास इकतीस बटे पाँच, ये अपने पास तीन है ही, तो इनका सम अगर हम लोग करें पाँच और तीन कितना हो गया आठ, और इन दोनों का भी सम कर लो आठ होना है, इनर समेशन हमेशा सेम। एक ही चीज़ मैंने बताई है, इकतीस बटे पाँच और नौ बटे पाँच को ऐड करोगे तो 40, 40 बटे पाँच यानी 8 और इन दोनों को भी ऐड करोगे 8 तो अपने पास अगर रेशियो पूछे बी ओ और ओ ई का रेशियो पूछे तो बी से ओ तक के लिए 31 बटे पाँच लिखेंगे हम लोग और इसके लिए हम लोग लिखेंगे इधर वाले के लिए 9 बटे पाँच, पाँच से पाँच कट जाएगा और आंसर वही आना है 31:9। बाकी दूसरे वाले का भी आंसर देखोगे तो सेम यही आना है। एक ही चीज़ में एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ये दोनों देकर ये और ये देकर बाकी पूछ सकता है या दोनों बाहर वाले देकर पूछ सकता है, वो मैंने आपको पहले समझाया। एसएससी में या कैट में ये वाला क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जा सकता है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, और ये चार एमपीजी के मैं वीडियो बनाऊंगा, चारों अगर आप लोग देख लेते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। देखो ये एक ही क्वेश्चन में करवा रहा हूँ बार बार, क्या क्या दे सकता है वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। ए बी और सी, ये डी है ये ई है, ये दिया हुआ है पाँच, ये दिया हुआ है चार और ये दिया हुआ है दो और ये दिया हुआ है तीन और ये पॉइंट ओ दिया हुआ है। गिवन है बी ओ अपॉन ओ ई 5:4, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज लिखने में बहुत टाइम लगेगा, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, 5:4, 2:3 दिया हुआ है और बाकी इसका रेशियो ए ई अपॉन ई सी और हम लोगों को ए ओ अपॉन ओ डी पूछा गया है। ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को सिमिलरिटी से तो आप लोग कर ही सकते हो, समरूपता से करना है तो पैरेलल लाइन खींचनी है। अगर घर पर आपके पास टाइम है तो सिमिलरिटी से सारे क्वेश्चंस आप लोग करने की कोशिश करना, समरूपता इसमें लगाना, मैं सिखाता हूँ। अब ये वाला जो पॉइंट है ये डिपेंड करेगा इस पर तीन पर और चार पर, चार गुना तीन कितना हुआ 12, इनका एलसीएम लेके यहाँ पर 12 मान लीजिए, 12 गुना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए, 12 गुना दो 24 तो 8 गुना तीन 24 यहाँ पर आएगा 8। अपने पास 12 गुना पाँच कितना हुआ 60 तो 15 गुना चार यहाँ पर आएगा 15। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए, अगर 4 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू होगी 15, टोटल 12 और 8 यहाँ पर टोटल वेट हुआ 20 केजी।
ये 15 है, ये 8 है, तो 2 का सम यहाँ आना चाहिए, ये 8 है, ये 15 है, तो क्या 7 के जी होगा क्या? अब मैंने कहा इनर समेशन चेक कर लेना, इनर समेशन अगर सेम नहीं होगा तो आपका या तो क्वेश्चन गलत है या आपने कहीं पर गलती की है। इन दोनों का सम 20 और 7 27, इन दोनों का सम 12 और 15 27 सेम आ गया, मतलब आपने ठीक किया है। अगर आप लोग अब देखना चाहते हो कि सर ए ओ अपॉन ओ डी बताओ, ए ओ अपॉन ओ डी बताओ, ए ओ अपॉन ओ डी बताइए, कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि ए ओ, तो ए से ओ तक तो ऊपर वाला 20 और ओ डी नीचे वाला 7, यह आंसर। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर ए ई अपॉन ई सी बताओ, ए ई और ई सी का रेशियो बताओ, तो ए से ई तक तो होगा 8 और ई से सी तक होगा 7, रेशियो आ गया ये 8:7, ये अपना आंसर है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ समझिए, आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि कम समझ पा रहे हो, और अगर कम समझ पा रहे हो तो आप लोग ये वीडियो एक बार वापस देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैट लेवल का पॉइंट है, तो आप लोगों को एसएससी में जहां पर भी आप लोग पढ़े होंगे ये पॉइंट नहीं पढ़ा होगा। अब देख लीजिए, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 2 है, ये अपने पास 3 है। कई बार जब मैं आप लोगों को ये चीज़ें पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट सोचता है कि सर ये 4 और 3 आपने 12 ही क्यों माना, ये 3 क्यों नहीं मानते आप इसके अनुसार, इसके अनुसार 3 मान लो। तो मैं उस स्टूडेंट को कहता हूँ भाई 3 मान ले, वो कहता है सर इसके अनुसार आप इसको 3 भी तो मान सकते थे, इसके और इसके अनुसार 12 क्यों माना, फिर तो इसके अनुसार भी कुछ होना चाहिए। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई 3 मान ले, तो ये अगर 3 होगा तो ये इधर जाके कितना होगा, 2, 3 और 2, 5 गुना 3 15, तो इनका सम भी 15 होना चाहिए, इंटू 15 होना चाहिए, तो यहाँ पर 15/4, 5 गुना 3 15, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 15, तो यहाँ x मान लिया करो, 4 गुना x बराबर 15, तो x की वैल्यू 15/4, इसमें से माइनस करोगे 15/4 में से माइनस करोगे 2, तो ये आ जाएगा 7/4, और ये अपने पास है 5, इन दोनों का जो सम है 27/4, इन दोनों का सम 27/4, इनर समेशन सेम हो गया। अब किसी स्टूडेंट को ए और ओ डी चाहिए, ए ओ और ओ डी का रेशियो अगर चाहिए, ए से ओ तक और ओ से डी तक, तो ए से ओ तक ये ऊपर जाएगा 5, और ये इधर आएगा 7/4, 4 इधर आ गया, तो 20:7, यही अपने पास आंसर आ गया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा 20:7। और ये इधर वाला चाहिए, ए ई और ई सी का रेशियो अगर चाहिए आपको, ए से ई तक और ई से सी तक का रेशियो चाहिए, तो ये 2 इधर और 7/4 इधर, तो रेशियो निकालोगे तो 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8:7, ये आ गया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। अब दूसरे स्टूडेंट ने क्लास में हाथ ऊपर किया, उसने कहा कि सर हम लोग 3 क्यों माने, 4 और 3 कभी 12 मान लिया आपने, अब की बार 3 मान लिया, ठीक है मैं 4 से करना चाहूँ तो 4 से कर लेना, आंसर सेम ही आना है, ये बात ध्यान रखना, घर पर आप लोग करके देख सकते हो। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन समझिए आप लोग, और कैसे दे सकता है ये क्वेश्चन, और इस टाइप से दे सकता है, देखिए ये पहला वीडियो एमपीजी के लिए, एमपीजी का, और आप लोग ध्यान दीजिए, ये अपने पास दे दिया 3 और ये अपने पास दे दिया 2 और ये दे दिया 5, ये 3, ये डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, दोनों अंदर वाली सीवी नहीं दे दी, और हम लोगों को ये 3 दो 5 3 दिया हुआ है, और बीडी और डीसी का रेशियो और एई और ईसी का रेशियो पूछ लिया। मैं पिछले 40 या 45 मिनट से आपको एक ही चीज़ बार बार समझाते हुए आ रहा हूँ कि इनर समेशन हमेशा सेम होना चाहिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोग पढ़ चुके हो, जब अनुपात समानुपात आप लोगों को पढ़ाया था उसमें आप लोग पढ़ चुके हो कि इनका सम अगर 8 है और इनका सम अगर 5 है, बराबर करना है तो 5 से यहाँ इंटू कर दो, इसको इंटू कर दो 5 से, दोनों को बराबर करना है, तो ये तो हो गया 15 और ये हो गया 25, और इन दोनों का सम जो 8 था उसका इंटू यहाँ कर दो तो ये हो गया 24, और 8 का इंटू यहाँ कर दोगे तो ये हो गया 16। अब 16 और 24 40, और इनका 25 और 15 40, तो 15 तो इधर आएगा और ये 25 इधर चला जाएगा, ये 16 तो यहाँ जाएगा और ये 24 यहाँ जाएगा, इन दोनों का सम अपने पास 24 होना चाहिए, तो ये अगर 24 है तो ये होगा 9, और इधर से भी देख सकते हो 16 और 9 का 25 वो खुद ही आ जाएगा। अब अगर आपको ए ई और ई सी का रेशियो चाहिए, ए ई और ई सी, तो 9 इधर 16 इधर, और अगर आप लोगों को रेशियो चाहिए किसका, बी डी और डी सी का रेशियो चाहिए, बी डी और डी सी का रेशियो चाहिए, तो 9 इधर 15 इधर, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, तो ध्यान रखना ये अपने पास क्वेश्चन था। जब अंदर वाली दोनों अगर सीवीएन दे दे
तो हम लोगों को किस प्रकार से क्वेश्चन में अप्रोच लगानी है, इसमें कंप्लीट में इस वीडियो को आप लोग दो या तीन बार देखिए, कंप्लीट में कम से कम चार वीडियो बनाऊंगा आपके लिए एमपीजी को समझाने के लिए, और ये इसी लेंथ के होंगे, एक ही वीडियो में तो बहुत ज़्यादा कम से कम तीन चार घंटे का बन जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।